सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग किया जाता है। देखिए, द डार्केस्ट क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग, सुनील इज द टॉलेस्ट बॉय इन हिज क्लास, नसरुद्दीन शाह इज द बेस्ट एक्टर। यहां देखिए, डार्केस्ट, टॉलेस्ट, बेस्ट, ये सभी क्या है? एडजेक्टिव का सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म है। डार्क, डार्केस्ट, डार्केस्ट, डार्क, डार्कर, डार्केस्ट, क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। डार्क नॉर्मल हो गया, डार्कर कंपरेटिव हो गया, और डार्केस्ट क्या हो गया? सुपरलेटिव हो गया। तो डार्केस्ट के पहले द का प्रयोग होगा और लिखाएगा क्या? द डार्केस्ट क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग, सुनील इज द टॉलेस्ट बॉय इन हिज क्लास। टॉलेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। नसरुद्दीन शाह इज द बेस्ट एक्टर, बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है एडजेक्टिव का। तो यहां द लग गया। क्रम बताने वाले विशेषण के पहले अर्थात ऑर्डिनल्स के पहले द का प्रयोग करते हैं। यदि क्रम बताने वाला विशेषण हो, यानी कहने का अर्थ हुआ ऑर्डिनल्स हो, तो वहां पर भी द का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, टुडे इज द 19th ऑफ अक्टूबर, दिस इज द 20th सेंचुरी। देखिए, 19th, 20th, ये सब क्या है? ऑर्डिनल्स हैं। 7th, 6th, 5th, 4th, 3rd, 2nd, 1st, ये सब क्या है? ऑर्डिनल्स हैं। और ऑर्डिनल्स के पहले क्या लगते हैं? द लगते हैं। टुडे इज द 19th ऑफ अक्टूबर, दिस इज द 20th सेंचुरी। इन सब के पहले आप द का प्रयोग करें। लेकिन कार्डिनल्स जैसे 5, 19, 20 इत्यादि के पहले द नहीं लगता है। जैसे हम कह सकते हैं, ही विल कम ऑन 25/12/2000, या ही विल कम ऑन द 25th of December 2000, लेकिन ही विल कम ऑन द 25/12/2000 गलत है। ऑर्डिनल्स के पहले तो द लगता है, लेकिन कार्डिनल्स जैसे 20, 19, 22, 5, 4, 3, 1, 2, यानी काउंटिंग को कार्डिनल्स कहते हैं। और कार्डिनल्स के पहले द भूल से भी मत लगाइएगा। जैसे एग्जांपल देखें, ही विल कम ऑन 25/12/2000, तो यहां 25 के पूर्व में द का प्रयोग नहीं हुआ। और ही विल कम ऑन द 25th, जैसे ही 5th हुआ, ठीक है, वो ऑर्डिनल्स हो गया, और ऑर्डिनल्स के पहले द का प्रयोग हो गया। ही विल कम ऑन द 25 गलत हो गया, क्योंकि 25 जो है कार्डिनल्स है, और कार्डिनल्स के पहले द का प्रयोग तो होता नहीं है। गुण बताने वाले एडजेक्टिव के पहले अर्थात वह एडजेक्टिव जिसमें नाउन छुपा हुआ है, और गुण बताने वाले एडजेक्टिव वैसा एडजेक्टिव जो गुण बता रहे हो, अर्थात वह एडजेक्टिव जिसमें नाउन छुपा हुआ हो, उसके पहले भी द का प्रयोग आप कर सकते हैं। देखिए, एग्जाम्पल से देखते हैं। द रिच शुड हेल्प द पुअर, यहां रिच और पुअर के बाद मेन छुपा हुआ है। द रिच का अर्थ है सभी रिच मेन, और द पुअर का अर्थ है सभी पुअर मेन। देखिए, द रिच शुड हेल्प द पुअर, तो रिच के साथ क्या है? मेन छुपा हुआ है, पुअर के साथ नाउन वर्ड छुपा हुआ है मेन, ठीक है। तो यहां रिच क्या है? वह एडजेक्टिव है जो कि गुण बता रहा है, किसका? नाउन का, मेन का, पुअर। क्या है एडजेक्टिव? एक ऐसा एडजेक्टिव जो कि गुण बता रहा है। तो ऐसे एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग कर ले। द रिच शुड हेल्प द पुअर, वी शुड हेल्प द ब्लाइंड, अर्थात हमें अंधों की सहायता करनी चाहिए। लेकिन अगर हम कहें वी शुड हेल्प द ब्लाइंड मैन, तो सेंटेंस गलत तो नहीं होगा, लेकिन इसका अर्थ हो जाएगा हम किसी खास अंधे आदमी की सहायता करनी चाहिए। देखिए, वी शुड हेल्प द ब्लाइंड और वी शुड हेल्प द ब्लाइंड मैन, दोनों के सेंटेंस में बहुत डिफरेंस है। हेल्प द ब्लाइंड, इसका अर्थ हुआ सभी अंधों की सहायता करनी चाहिए, किसी भी अंधों की सहायता करनी चाहिए। लेकिन अगर आता हेल्प द ब्लाइंड मैन, यानी ब्लाइंड के बाद यदि मैन लग गया, तो इसका अर्थ हो गया कोई खास आदमी की सहायता करनी चाहिए जो कि अंधा हो।
कोई खास अंधे आदमी की सहायता करनी चाहिए।